जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतूनो दुरितान अज्ञान तिमिरा अंधाना ज्ञाना अंजन सलाकया चक्षूर्ण मिलितम येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणातमिति इदं शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम धेय अर्ष मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान तरे सिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकार जो बहु विधि भव दुखन के करिए सत्तानाथ करिए सत्तानाथ। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निरग्रंथ शासन जयवंत अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव सात गुरु की। चारित्र मोहिनि कसाय के जन्य यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी है, एक एक कसाय के आधार से इसके दुख को यहाँ टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार में निरूपित किया है। क्रोध कसाय होती है तब यह जीव किस प्रकार दुखी होता है, मान कसाय के वशीभूत होकर यह किस प्रकार जीव दुखी होता है, मायाचारी से किस प्रकार यह जीव दुखी होता है, और अंतिम जो कसाय जिसके आधार से लोभ कसाय है ना, लोभ पाप को बाप बखाना है ना, पूजा में कहते हैं ना, पढ़ते हैं ना अपन ध्यानत राय जी की पूजा में, क्या लोभ पाप को बाप बखाना है ना, पाप का भी बाप इस लोभ कसाय को कहा है। कारण क्या है कि लोभ कसाय के वशीभूत ये सभी कसाय करता है। लोभ के कारण क्रोध भी करता है, लोभ के कारण मान भी है, लोभ के कारण इसके माया भी है, इसलिए लोभ कसाय एक एंगल तो यह है। दूसरा एंगल यह है कि जब कसायों का समापन होता है ना, जब हम आत्मा के आश्रय से
कसायों को समाप्त करते हैं तो सबसे अंत में लोभ कसाय जाती है। आई बात समझ में? अनंतानुबंधी गया, अप्रत्याख्यानावरण गया। देखो इसकी एक टेक्निक है, विसंयोजना होती है और फिर जाती है तो एक से दूसरे में कन्वर्ट होके जाती है, तो अंत में जो रहता है ना स्वंजलन, स्वंजलन क्रोध, फिर स्वंजलन मान में कन्वर्ट हो जाता है, मान माया में चला जाता है, माया फिर लोभ में, और फिर स्वभाव के सन्मुख होकर उस कसा। ये एक थ्योरी है कर्णानु, मतलब उस एंगल से भी देखें तो क्रोध क्या है, क्रोध सबसे अंत तक लोभ सबसे अंत तक टिका रहता है, इसीलिए उसको क्या कहा, लोभ को पाप का बाप का। और एक एंगल ये भी है लोभ को पाप का बाप कहने के पीछे कि इसके कारण चारों कसाएं जीव के होती है ना, पाप करता है लोभ के कारण, सभी प्रकार के पापों में ये प्रवर्तता है। कल जो अपनी बात हुई थी, क्या बात चल रही थी कि जब इसको लोभ कसाय उत्पन्न होती है तब क्या करता है, यह निरंतर पदार्थ के लाभ की इच्छा करता है ना। का चार बिंदु हमने कल विचार किए थे कि वस्तु का मिलना यानी वस्तु का परिणमन होना वह स्वतंत्र है। क्या बात अपन ने कल चार तय करी थी कि वस्तु का परिणमन होना वह तो स्वतंत्र है और वस्तु का संयोग होना वह उदियाधीन है। ठीक है, दो बात हो गई। तीसरा, उसका लाभ चाहना वस्तु का वह है आर्त ध्यान, और प्राप्त सामग्री में आनंद मानना वह है रौद्र ध्यान। अब आपको बराबर परिभाषा याद हो जाएगी, किसको आर्त ध्यान कहते हैं, किसको रौद्र ध्यान कहते हैं, क्या है, गड़बड़ तो नहीं होगी। निरंतर लाभ चाहना है ना, सुंदर रूप चाहना, अपनी जगत में प्रसिद्धि चाहना, भोग बने रहे इस प्रकार का इसको निरंतर वांछा रहती है, वह कहलाता है निदान जन्य आर्त ध्यान। क्या कहलाता है वो? निदान जनित आर्त ध्यान। भैया आर्त ध्यान से भोग उपलब्ध नहीं होते हैं, आर्त ध्यान से प्रसिद्धि नहीं होती है, आर्त ध्यान से शरीर स्वस्थ और रूपवान नहीं होता है। आर्त ध्यान तो स्वयं पापमय है, संसार परिभ्रमण का कारण है और पुण्य का नाश करने वाला है। क्या क्या बात ध्यान में रखनी है आपको बाबू जी, क्या बात ध्यान में रखनी है? ये बहुत टिपिकल एंगल है, ये जिस समय जीव को समझ में आ जाए ना तो ये जीव निहाल हो जाए। जो हम निरंतर है ना भोगों की वांछा करते हैं, है ना सुंदर शरीर के वांछा करते हैं, लाभ पैसे का लाभ का निरंतर हम भावना बातें वांछा करते हैं, तो ये वांछा क्या कहलाती है? निदान जनित आर्त ध्यान। क्या कहलाती है? निदान जनित आर्त ध्यान। और उससे क्या होता है आर्त ध्यान से? हाँ, पाप का बंद होता है, संसार परिभ्रमण होता है और आपका पुण्य नष्ट होता है, क्षीण होता है, नष्ट होता है। इसका मतलब है कि हम जो बार बार सोचते हैं ना, ये सामग्री मिल जाए, ये सामग्री मिल जाए, ये हो जाए तो बढ़िया, एक मकान हो जाए तो बढ़िया, दो फैक्ट्री हो जाए तो बढ़िया, इससे क्या होगा, फैक्ट्री तो नहीं होगी लेकिन जो आपका पुण्य आ रहा है ना उदय में, उसको भी वो क्या करेगा, क्षीण करेगा और उसको नाश करेगा, संसार परिभ्रमण का कारण है। आप कभी ऐसा मत सोचना कि मैं बार बार वांछा कर रहा हूं तो इससे काम हो जाता है, नहीं। और आप बोलोगे साहब आप ही तो कहते हो भावना भावनाशिनी, किसकी भावना की बात चल रही है, किसकी भावना की बात चल रही है, क्या चीज बार बार भावना है बाबूजी, जन्म मरण का, हाँ कि मेरे जन्म मरण का अभाव हो ये तो है भावना, और मेरे को सामग्री बनी रहे ये है निदान जनित आर्त ध्यान। बात पकड़ में आ रही है आपको? इधर उधर नहीं लगा देना दवा, है ना, नहीं तो बहुत गड़बड़ बोल लोगे, बोलते कि भावना भाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा, हम मकान की भावना भाव, बच्चे की शादी की भावना भाव, तब तो काम होगा, हा? क्या काम होगा है? वो तो निदान जनित आर्त ध्यान है, आपके भावना भाने उसको क्या भावना में लिया। भावना किसको बोलते हैं? कि मेरी समाधि मरण से देह छूटे, ये मेरे को जन्म मरण का अभाव हो, है मुझे सिद्ध दशा की प्राप्ति हो, मेरी जीवन में कब परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसको तो कहते हैं भावना।
आई बात समझ में, मेरा शरीर सुंदर हो, मेरा मकान बन जावे, बच्चों की शादी हो जावे, जगत में प्रसिद्धि हो जावे, ये सब क्या कहलाती है? निदान जनित आर्त ध्यान। क्या चलता है अपने को जैन साहब 24 घंटे? कौन सी पिक्चर चलती है अपने है? कौन सी पिक्चर चलती है भाई है? आर्त ध्यान चलता है। तो आर्त ध्यान का लाभ हानि पता है कि आर्त ध्यान से संसार परिभ्रमण होता है और पुण्य छीन होता है। क्या होता है कजावत साहब? पुण्य छीन होता है, पुण्य समाप्त होता है। बार बार भोगों की वांछा करने से भोग मिलना बंद हो जाएंगे। अब आपको ये जीव समझता ही नहीं है क्या विश्व की व्यवस्था क्या है, इसको नहीं समझता है। चलो तो अब चौथे नंबर की बात, चौथे नंबर की बात क्या है फिर? रौद्र ध्यान किसको कहते हैं बाबू? ये तो आपने आर्त ध्यान लाभ का क्या, पैसे का लाभ, मकान का लाभ, प्रसिद्धि का लाभ, रूप का लाभ, इसका चाहना, ये तो निदान जनित आर्त ध्यान है। और निरंतर क्या करना? परिग्रह के लिए विचारना, चिंतन करना, एक दुकान खोलूंगा, उस मार्केट में दुकान ले लूंगा, फिर ऐसा कमाऊंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये क्या चलता है? निरंतर चिंतन। किसके लिए चिंतन? परिग्रह के चिंतन, पैसे का चिंतन और उसका आरंभ, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है रौद्र ध्यान। आई बात समझ में? भावना, लाभ चाहना, लाभ चाहना वो तो है आर्त ध्यान, और उसके बारे में ही विचार करना, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये है रौद्र ध्यान। आई बात। और पैसा मिलके प्रसन्न होना, वो भी है परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। आई बात समझ में आपको? पैसे में आनंद मानना, क्यों क्यों रौद्र ध्यान है कि आनंद कहां है? आनंद किसमें है? अरे आनंद किसमें है? है? किसमें आनंद है बाबूजी? देखो एक बात समझना, दो कसाय हैं और दो कसाय ऐसे काम करती है कि आप उसको कसाय को तो नहीं पकड़ते हो, और क्या पकड़ते हो कि भाषा पकड़ के उसको परिवर्तित कर देते हो। अपन बोलते हैं मित व्ययता से लोभी क्या करता है? कंजूसी से जीवन जीता है। कौन सी कसाय वहां हैवी है बाबूजी? दो तरह के जीव मिलेंगे आपको, एक तो पैसा खर्च करने वाला नहीं, ठीक है, जिसको अपन बोलते कंजूस, या वो भाषा क्या बोलता है? मित व्ययी हुआ करना, ऐसा है ना नीति में, मित व्ययता। मित व्ययता के नाम पर लोग को सुरक्षित रखता है। क्या? किसके नाम पर? फालतू खर्च नहीं करना, फालतू खर्च नहीं करना, ऐसा करके वो किसको सुरक्षित करता है? लोभ कसाय को सुरक्षित करता है। और एक ऐसे जीव भी मिलेंगे जो अनावश्यक धन खर्च करके मान को सुरक्षित करते हैं। बात पकड़ में आई आपको? बात पकड़ में आई? ये तो थोड़ी सूक्ष्म बात है। सुरक्षा किसकी हो रही है? सुरक्षा कसाई की हो रही है। और भाषा में किसको पहनाया जा रहा है? एक ही बार तो बाबूजी शादी होती है बच्चे की, यार फिर क्या करें? वो किसको सुरक्षित करता है? अनावश्यक धन खर्च के किसको सुरक्षित? देखना उसके पीछे मान के आधार से फिर सब कसाएं लिंक है, फिर वहां हिंसा भी होगी तो नहीं देखेगा, रात में खाना खिला रहा है तो नहीं देखेगा, फटाके फोड़ रहा है तो नहीं देखेगा, काई के लिए सुरक्षित किसको कर दिया? इसको तो आपने सुरक्षित कर दिया। और खर्च क्या कर रहे हो? अनावश्यक धन खर्च कर रहे हो। और एक जीव ऐसा भी है कि जो है आवश्यक है वो भी खर्च नहीं करता है, और मित व्ययता के नाम पर क्या करता है? किसको सुरक्षित कर देता है? लोभ कसाय को सुरक्षित कर देता है। तो अपने को दोनों एंगल पकड़ना है बराबर, है ना? न अपने को कसाय के वसीभूत नहीं होना। अच्छा, और रौद्र ध्यान का एक और एंगल है कि रौद्र ध्यान जो होता है ना बाबू जी, पांचवें गुणस्थान तक होता है। आपको पता है आर्त ध्यान तो छठे गुणस्थान तक होता है, और रौद्र ध्यान कौन से गुणस्थान तक होता है? पांचवें गुणस्थान तक होता है। सम्यक दृष्टि के भी रौद्र ध्यान पाया जाता है,
व्रती है ना, पांचवें गुण स्थान के जो श्रावक है उनके भी रोत्र ध्यान पाया जाता है, और सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनके तो रोद्र ध्यान पाया ही जाता है। एक तो रोद्र ध्यान की वो कैटेगरी, और एक रोद्र ध्यान की कैटेगरी कृष्ण लेशिया के साथ कैटेगरी, इन दोनों में भी अंतर समझना पड़ेगा। आई बात समझ में? सम्यक दृष्टि के भी व्यापार में लाभ होता है तो प्रसन्न होता है, बच्चे का यदि कोई ये हो गया तो प्रसन्न होता है, विवाह आदि के प्रसंग में प्रसंग होता है, लेकिन उसका रोद्र ध्यान का जो जोर और एक मिथ्या दृष्टि के रोद्र ध्यान का जोर, दोनों में अंतर है। क्यों? कि ये कृष्ण लेशिया के सहित परिणाम है और वहां उस लेशिया से रहित परिणाम है, वो नीचे वाली लेशिया से रहित परिणाम है। कुछ बात पकड़ में आई आपको? क्या अंतर है फिर सुशील भैया, अंतर क्या है? हाँ, लेशिया वो जो मिथ्या दृष्टि है, आई बात समझ में? उसके क्या है, न्याय और अन्याय का बिना विचार करें जैसे तैसे धन मिले वो उसमें लगा हुआ है। क्या जो विचार है ना उसका चिंतन, किसका, सामग्री को प्राप्त करने का चिंतन, उसमें न्याय का अन्याय का विचार नहीं है, हिंसा का अहिंसा का विचार नहीं है। क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? धन चाहिए। तो वो जो अभी आप समझना, धन का मिलना वो बात नहीं चल रही है, अभी तो वो भाव की बात चल रही है। भाव जी, आई बात समझ में? धन मिलना नहीं मिलना वो तो उदयाधीन है, अभी तो भाव की बात चल रही है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके भी रोद्र ध्यान होता है और वो जबरदस्त होता है। आई बात समझ में? और धन की क्या कीमत है, मकान की क्या कीमत है? आपको पता है रावण का मकान महल कैसा था? अपन ने तो अभी ये ईंट चुने चुना लिए, थोड़ा सा चमका दिया, ये चौड़ा हो गया। भाव जी किसका बना हुआ था रावण का महल? स्फटिक मणि का था महल, एक समय में नरक में पहुंच गया। अब किस बात की हेगड़ी करता है? किसके कारण पहुंच गया नरक में? स्फटिक मणि का महल था इसलिए पहुंचा। अरे परिणाम, जिस परिणाम का ये फल है, रोद्र ध्यान का फल है नरक स्थिति। आई बात समझ आप? और वो परिणाम स्फटिक मणि के महल के कारण नहीं आए हैं, वो किसके कारण आए हैं? उसके अज्ञान का है, और झोपड़ी में रहकर भी उस जाति के परिणाम जीव कर सकता है। आई बात समझ में? क्योंकि उसका उससे कोई लिंक नहीं। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या क्या बात हुई? दिशा अपनी अलग चल गई। बात क्या हुई? बात क्या चल रही है सुशील भैया? वस्तु का, परद्रव्य का परिणमन उसकी स्वतंत्रता से होता है, आपके विकल्प से नहीं होता। दूसरा, परद्रव्य का संयोग जो होगा वह उदयाधीन है। धन का मिलना, बाहर में गाड़ी बंगला, जो भी पुत्र पत्नी बच्चे सामग्री जो भी मिलना, ये किसके आधार से है? उदयाधीन है, यानी आपके विकल्प से नहीं है। तीसरी बात, जो आप निरंतर धन 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 के लाभ का लाभ कोई चाह रहे हो, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है निदान जनित आर्त ध्यान। धन का लाभ, रूप का लाभ, प्रसिद्धि का लाभ, भोग बने रहे, भोगों की वांछा, ये सब क्या कहलाता है? ये कहलाता है निदान जनित आर्त ध्यान। और उसका फल क्या है? संसार परिभ्रमण और पुण्य का नाश, पुण्य क्षीण हो जाता है। किससे अजित भैया, किससे पुण्य क्षीण हो जाता है? निरंतर आप ये चाहते हो मेरे ये लाभ होता रहे, लाभ ने पुण्य चाहते हो, उससे पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य का उदय चाहते हो, सॉरी। आई बात समझ में आप? और चौथा क्या है भाऊजी? और जो पैसा मिल गया उदय के अनुसार उसमें ये प्रसन्न है, ओहो जैसे काम हो गया उसका है, संसार समुद्र पार हो गया हो, परिग्रह को देख देख कर प्रसन्न है। किसको देख देख कर प्रसन्न है? गाड़ी को देखकर, मकान को देखकर, प्रसिद्धि को देखकर, देख देख कर क्या है ये प्रसन्न है ना? वो क्या कहलाता है कजावसा? वो क्या कहलाता है? परिग्रहानंदी रोद्र ध्यान। निरंतर 24 घंटे क्या चिंतन चलता है आप लोगों, क्या विचार चलता है बोलो? अरे बोलो, हाँ जी पुरुष वर्ग बोलो भाई, क्या विचार चलता है 24 घंटे? सुशील भैया आप 24 आवर्स में क्या चलता है बोलो? है परिग्रह को जोड़ने का ही विचार चलता है ना निरंतर। अब प्रश्न यह है कि उसके चिंतन से परिग्रह मिलता है, सामान मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका तो एनालिसिस करें अपन। रात दिन हम पैसा 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 ऐसे पैसा कमा ले, ये आरंभ मतलब प्लानिंग,
प्लानिंग है ना, उसमें भी तीन भेद भेद करें, समारंभ संभारंभ आरंभ है ना, ऐसे भेद करें क्या प्लानिंग। अभी एक होटल खोल लेंगे, एक अभी बगीचा है किराया चला देंगे, इतना पैसा आ जाएगा, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हुआ कुछ नहीं है, बाबूजी अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ कि नहीं ये बताओ। आज बच्चे की शादी होगी 10 साल बाद, अभी वहां करेंगे एकदम ऐसी करेंगे, रिसोर्ट में ले जाकर शादी करेंगे, हैं? वहां पहले वेज नॉन वेज किचन कुछ भी चलेगा, लेकिन शादी लोगों कब कब शादी कब होनी है बाबू जी? 10 साल बाद। और अभी अभी क्या चल रहा है? अरे अभी क्या चल रहा है, होगी कि नहीं होगी वो तो जाने दो, उसकी तो अपन बाद में चर्चा है। अभी क्या चल रहा है? अभी वो है आरंभ का पार्ट है, आई बात समझ में? और ये आरंभ कहलाता है रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान मतलब नरक की तैयारी है, आई बात समझ में? कृष्ण लेशिया के सहित का परिणाम है, आई बात समझ में? किसकी प्लानिंग बनानी है ये बताओ आप तो, है ये बोल के है? पात्रता किससे आती है भाई? बच्चे की शादी की प्लानिंग बनाने से पात्रता आती है कि मेरे जन्म मरण का अभाव कैसे होगा, उसकी प्लानिंग बनाने से पात्रता आती है? बोलो पात्रता कैसे आती है? क्या चलता है? एक बात मैं आपको और बता दूं, जितनी जितनी प्लानिंग है बाबूजी कमाने की, और जितनी जितनी पाप प्लानिंग है पाप करने की, ठीक है, आपको जैसे भी ये शादी करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वहां काम होना नहीं होना वो तो बिल्कुल जुदी बात है, लेकिन पाप पूरा का पूरा लगेगा ये बात सच्ची है, है? कर्म बंधेंगे वो बात तो नक्की है, उसमें कोई चेंज नहीं। और कब बंधेंगे कर्म? कब कब बंधेंगे कजावसा? एट ए टाइम। देखो अपन कितने व्यापारी हैं, समझ तो बिल्कुल फटाफट गए मैथमेटिक्स है ना, लेकिन चक्कर यह है कि अपने अंतरंग में इस बात को विचार करके अपने को गले में उतारनी है बात। अच्छा बाबू जी एक बात और तीसरी बात करता हूं, जो विचार ही नहीं करते हैं कि चलो साहब क्या होगा बच्चे का, उनके बच्चे का ब्याह नहीं होता है क्या है, उनकी आजीविका नहीं चलती है क्या है, जो न्याय की बात विचारते हैं उनका जीवन नहीं चलता है क्या है? किसका मोह नहीं छोड़ रहा है? ये अज्ञान है ना, जबरदस्त अज्ञान है। वस्तु स्वरूप का सम्यक विचार करो आप आगम के आधार से, तो आपको लगेगा कि ये बात ऐसी है। आप आज से ट्राई करो सुशील भैया कि अपने को कोई वांछा नहीं, कोई भोगों की वांछा नहीं, कोई लाभ की वांछा नहीं, कोई प्रसिद्धि की वांछा नहीं, और कुछ नहीं, तो क्या होगा आपके पुण्य का उदय नहीं आएगा? नहीं आएगा, बोलो ना है? और आपकी वांछा करने से क्या हो जाएगा? अरे जो आ रहा है वो भी ढीले हल्का हो जाएगा, आई बात समझ में? क्यों नहीं सरल चित्त रखें है? तीन कैटेगरी बनती बाबू जी, कैटेगरी मैंने अभी अब इसका विस्तार नहीं करता हूं मैं, अभी तो रौद्र ध्यान का प्रकरण चालू हो जाएगा। एक तो होता है रौद्र ध्यान, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को, एक होता है सम्यक दृष्टि को, और एक होता है वृत्ति को, है ना, क्योंकि पंचम पुरस्थान तक, और एक होता है मिथ्या दृष्टि को। ये तो रौद्र ध्यान, लेकिन इसकी कैटेगरी और इसकी कैटेगरी, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये है ना, ये जीव न्याय और अन्याय के बिना कैसे भी पैसा आए, कैसे भी पैसा आए, कैसे भी है छल मायाचारी, कैसे भी पैसा आए, ऐसा ये निरंतर विचार करता है। पैसा नहीं मिलता इससे, हाँ ये वो जो एक बहुत जबरदस्त गड़बड़ चलती है कि साहब अब मिलावट नहीं करेंगे तो कमा ही नहीं पाएंगे, जमाना ऐसा है, ये बिल्कुल धोखे में है बाबू जी। मिलावट करने से पैसा कमाते हैं है? ये एक बाजार में ऐसा चल गया है, मिलावट से कोई पैसा नहीं कमाता है, मिलता तो पुण्य के योग से है, लेकिन ये परिणाम है इसका कि न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, हिंसा अहिंसा का विचार नहीं करता है ना, नीति अनीति का कोई विचार नहीं करता, और जैसे तैसे पैसा आए पैसा आए पैसा आए ऐसा विचार करता है। तो सुशील भैया वो क्या कहलाता है? ये कृष्ण लेशिया के सहित का ये रौद्र ध्यान है, आई बात समझ?
वो यहाँ पे भी रुद्र ध्यान है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि को, उसको प्राप्त सामग्री में संतोष है लेकिन अभी उदय के अनुसार लाभ हो गया तो प्रसन्न हो जाता है, ये तो रुद्र ध्यान। लेकिन इसकी कैटेगरी और इसकी कैटेगरी, इसमें अंतर है। बाबूजी रेगुलर विचार नहीं चलता है इनके, किसी काल विचार चलता है, ये भी ध्यान रखना आप। रेगुलर विचार नहीं चलता है, अपने को कैसा विचार चलता है, कैसा विचार चलता है अपने को, रेगुलर चलता है। इनको आत्मकल्याण की भावना है निरंतर, अपने को कितने समय आत्मकल्याण की भावना है, है? अंतर है अंतर। वो अपने इस वाले को ये रूप मत दे देना, पहले यहां की बीमारी पकड़ना। 24 घंटे हमारे को बोलो परिग्रह को जोड़ने का भाव नहीं चलता सुशील भैया, 24 घंटे ज्यादा बोल दिया, 23 कर दो है? नहीं चलता क्या व्यवस्था? और मजेदार बात तो यह है कि हम व्यापारी वर्ग हैं, जब हम ये जानते हैं कि इस परिणाम से नुकसान ही होने वाला है, धन नहीं मिलने वाला, तो भी वो नहीं छूटता, मतलब क्या समझते हो आप कि कितना जबरदस्त हमारा अज्ञान है। बोलो भाई, अपन को सबको ये बात तो पता चल गई कि हमारे धन चाहने से धन नहीं मिलता, ये बात तो नक्की है ना, है ना? और चाहने से और क्या होगा, जो मिल रहा होगा वो भी, फिर क्या, फिर तो वांछा छूट जानी चाहिए ना, है? चले आगे, बात समझ में आ रही है आपको, थोड़ी कठिन जरूर है लेकिन समझना भाई, क्या तो साहब करे क्या, मुद्दे वाली बात है। तो सबसे पहले आपको संतोष होना चाहिए, उदय जनित सामग्री में संतोष रखकर, ठीक है? तो परिणाम आपका न्यायपूर्वक होना चाहिए आजीविका, आई बात समझ में? जो भी परिणाम है आपका न्यायपूर्वक अहिंसक विधि से, जितनी सावधानी पूर्वक अपन आजीविका कर सके वो तो परिणाम होना चाहिए। मिलना है वो तो उदयाधीन है, जो मिला है उसमें संतोष भाव रखकर आत्मकल्याण की निरंतर भावना भावनी चाहिए, ये तो है पिक्चर असली। और अपने क्या चल रही है, क्या अजीत भैया बात बात पकड़ में, अपनी भूमिका में क्या होनी चाहिए पिक्चर असली, क्या के न्यायपूर्वक आजीविका करने का हमारा सिस्टम ऐसी भाव होनी चाहिए, क्योंकि भूमिका कमजोर है ना, अभी गृहस्थी में है, ठीक है ना? हिंसा अहिंसा का बिल्कुल विचार विवेक पूर्वक कार्य होना चाहिए, उस ऐसा होने पर भी जो मिलेगा वो उदय के अनुसार मिलेगा, और जो उदय के अनुसार मिला है उसमें संतोष, कम मिला ज्यादा मिला, उसको ज्यादा है मेरे को कम है, ये ना चक्कर नहीं। और फिर भावना क्या बनानी चाहिए, भावना क्या बनानी चाहिए, आत्मकल्याण की भावना, जन्म मरण का अभाव हो मेरे को समाधि पूर्वक देह छूटे, ये भावना बनी, ये तो है पिक्चर। किसकी पिक्चर है, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की है। और अपनी पिक्चर कैसी है सब अपनी अपनी देखना, कठिन तो नहीं होगी भाई बात, हाँ जी है ना जी, समझ में सबको आ गई क्या, तो आगे बढ़े हैं, क्या समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई बताओ भाई जल्दी जल्दी है? आगे बढ़े मेरा भाई, देखो मैं आपको यहां जिनवाणी के सामने मैं गारंटी ले रहा हूं, यदि आप परिग्रह के बारे में लाभ का विचार नहीं करोगे और उसका प्लानिंग नहीं करोगे सुशील भैया, तो मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि आपके पुण्य में एक तनिक भी उदय में फर्क नहीं पड़ने वाला है, बोलो, बल्कि ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा, बोल, किस किस को विश्वास है इस बात का, विश्वास होएगा तो अभी परिणाम वहां से हट जाएगा, मुद्दा विश्वास का है, बोलने का नहीं है, बोलने का तो कोई मीनिंग नहीं, अंतरंग में आप क्या मानते हो, अंतरंग में आप क्या स्वीकार करते हो, हैं? बोलो, जिसको अपने पुण्य का भरोसा हो बाबूजी वो फिर कैसे अन्याय के काम करेगा बताओ, है उसको विश्वास क्यों करेगा वो, सदा सुखदास जी ने कहा है 50-50 बरस हो गए, क्या करते करते
स्वाध्याय करते करते है, पूजा पाठ की तो बात ही नहीं ली है गजाव साहब, क्या लिया उन्होंने? स्वाध्याय करते करते 50 बरस हो गए क्या, तो भी अभी तक इनके जीवन में धर्म परिणमित नहीं हुआ। और आचार्य अम्बचंद स्वामी तो गारंटी ले रहे हैं, क्या गारंटी लेते हैं कि यदि 6 महीने ये स्वाध्याय करे बिल्कुल सही तरीके से और अंदर में जाकर करे तो अधिक से अधिक टाइम लगेगा, तो इसकी धर्म परिणमित होने में क्या लगेगा, 6 महीना लगेगा, और इसको 50 बरस हो गए। चक्कर क्या है, इसकी भी तो खोज करनी पड़ेगी, चक्कर क्या है कजाव साहब, चक्कर क्या है? या तो अमृतचंद स्वामी ने कही वो बात गड़बड़ है, या कोई तरीके में गड़बड़ है क्या? तो वहां उन्होंने कारण बताया है, क्योंकि वो चरणान्योग का ग्रंथ है ना, अपन रत्नाकर शास्त्राचार्य जी चर्चा कि अन्याय अनति अवक्ष का फल जानो, आई बात समझ में? इसको अभी न्याय अन्याय का खबर नहीं है, ये तो जैसे तैसे, मतलब बस पैसा आना चाहिए है? लिया पैसा भी बोलेगा कहां दिया है, कब दिया है, न्याय से भी अपना नहीं भाई का है तो भी हड़पने का भाव कर। अब उसमें तो बहुत लंबी कहानी लिखी है सदाशिव दास जी ने, पढ़ना आप रौद्र ध्यान के प्रकरण में। चले आगे पढ़े अपन, आज निकालो पेज नंबर 59। तथा जब इसके लोभ कसाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है ना, इष्ट सामग्री प्राप्त हो उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, क्या इष्ट सामग्री मिल जाएगी इस तरह की भाषा का यह प्रयोग करता है, शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है ना, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, धन का लोभी क्या करता है, सेवा भी करता है, विदेश गमन भी करता है, नाना प्रकार के कष्ट सह लेता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है, नहीं विचार नहीं है उसको, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, लेकिन किसका लोभ है, किस सामग्री का लोभ है, धन का लोभ है, तो वह उसको करने को भी तैयार हो जाता है। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, प्रारंभ की जगह आरंभ करता है, गाय आपके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है ना, इस वाले में है ना, आप पेन हो जिसको सब आरंभ कर लेना, प्रारंभ सब में प्रारंभ कर, जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, जिसमें मरण कार्य प्रारंभ की बात करी होगी है ना, चलो एक है प्रारंभ है, मतलब वो कार्य के प्रारंभ की बात है, कार्य प्रारंभ मतलब ये जो पहुंच है ना, संभारम संभारम और आरंभ, पहले विचार करना, साधन जुटाना और फिर कार्य को प्रारंभ कर देना है ना, ये तो जो प्रारंभ करने वाला तीसरी बात ली तो ऊपर की दोनों बातें उसमें आप समाहित कर लेना है ना, चिंतवन करना कुछ है ना, उसकी साधन जुटाना सामग्री जुटाना और फिर काम को प्रारंभ कर देना, तो ये वाला तीनों में इसमें समाहित है ना, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। ये बहुत खतरनाक बात थी है? क्या सुशील भैया क्या कहते हैं कि लोभी क्या करता है, जहां जिसको मतलब पूज्य ऐसा स्थान है, जहां ऐसी क्षेत्र है, जहां मतलब इसके इष्ट है, वहां पर भी अपना लोभ साधता है, जरूरी नहीं धन का लोभ हो, लोभ भी बहुत प्रकार के होते हैं, प्रसिद्धि का लोभ हो सकता है, तो वो क्या करता है, जो इष्ट क्षेत्र है भाई, वे प्रशंसा होते हैं ना, प्रशंसा का लोभी, तो अभी ये इष्ट क्षेत्र है, पंच परमेश्वरी भगवान को के समीप आकर अपन क्या चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी भावना, और यहां पर आके तो मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मेरा जैसा कोई प्रवचनकार नहीं है, तो क्या कर लिया आपने यहां पर आके, मेरा जैसा कोई पंडित देखा कि नहीं, ये क्या हो गया, लोभ, काई का लोभ है उसको,
प्रसिद्धि का लोभ है। किस क्षेत्र में आकर, जिस क्षेत्र में आकर, बाबूजी बहुत बारीकी से सुनना है बात, जिस क्षेत्र में आकर लोभ कसाय को मेटना था, है जिनके वचनों को सुनकर अपनी परिणति में जो लोभ कसाय थी उसको मेटना था, लेकिन उनके वचनों के आधार से मैंने अपने प्रसिद्धि का लोभ खड़ा कर दी। देखो मैं आई बात समझना, कठिन तो है बात, जरूर बात पकड़ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? देखना आप, सामग्री को जोड़ने का लोभ, सामग्री की रक्षा करने का लोभ, बनी रहे बनी बनी रहे, और बाबूजी जब वो सामग्री चली जाती है तो उसके कारण बहुत संतापवान होता है, लोभी होता है कि नहीं होता है, सामग्री चली जाती, लेकिन ये विचार नहीं करता कि मेरे को दुख सामग्री जाने का नहीं है, लोभ का है, लोभ मेटना है, ऐसा विचार नहीं करता। अरे कुछ हमने बात कह दी, कठिन कह दी, लेकिन समझ में आई नहीं आई आपके? किसका क्या कहा हमने अभी? सामग्री चली जाती है तो लोभी बहुत दुखी होता है, काहे के लिए दुखी होता है? सामग्री चली गई इसलिए दुखी हुआ, ऐसा वो विचार करके दुखी होता है, लेकिन उसको ये विचार नहीं आता कि असली दुख का कारण ये लोभ है, लोभ को मेटू मैं, ऐसा विचार नहीं आता। अरे कुछ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई तो आगे बढ़े, नहीं आए तो फिर उसको घोटे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में जाकर इष्ट लोगों के समीप रहकर उनका कार्य करके, वहां भी क्या चाहता है? वहां लोभ चाहता है, अपना प्रयोजन साधता है, मेरी बनी रहे, मेरी चलती रहे, है? किस क्षेत्र में आकर चलाना चाहता है बाबूजी? घर में तो चली रही है, समाज में भी तो चल ही रही है, अब मंदिर में भी मेरी चलनी चाहिए, है? मंदिर काहे के लिए आ रहा है वो? सुशील भैया काहे के लिए आ रहा है? चलनी चाहिए मेरी, तो भैया या ये क्षेत्र काहे के लिए है? ये क्षेत्र काहे के लिए है? अरे जहां तू चलनी चाहिए जिसके कारण तू चल रहा है उस कसाई को मेटने के लिए है, और यहां आकर भी तू मैंने आपको हमारे गांव का उदाहरण भी दिया था एक बार, वो अध्यक्ष हो जाता है ना तो वो फिर अभिषेक करने जाता ही जाता है, आई और जैसे सेवानिवृत्त हो गया, सेवानिवृत्त मतलब क्या, दूसरा बन गया अध्यक्ष, फिर क्या होता है? फिर तो सुशील भैया वो 8 बजे उठेगा, 7:30 बजे, क्यों क्यों? अब मेरा प्रश्न है आपसे कि वो रोज अभिषेक जो 2 बरस से हो रहा था वो किसका हो रहा था, अध्यक्ष पद का हो रहा था कि भगवान का हो रहा था, ये बताओ आप, किसका हो रहा था बाबू जी, क्या हो रहा था, किसका हो रहा था? ये अंदर की धारा पकड़ना भाई, अंदर की धारा पकड़ना हो, ये जीव कसायों से चिपका हुआ रहता है, और अपने को मेटना क्या है, कसाय मेटना है, आई बात समझ में? क्या मेटना है कजावत साहब अपने को? कसाय मेटना है अपने को, और अपन भाषा परिवर्तित करके अपनी कसायों को सुरक्षित करना चाहे ये काम नहीं करना, ये गड़बड़ है। सामग्री चली गई उसके लिए दुखी है, कौन दुखी है? बोलते भी लोभी दुखी है, किसके लिए दुखी है कि बोले सामग्री चली गई? अरे उदय चेंज हो, एक समय में अभी अपन ने बात की ना कि स्फटिक मणि का बना हुआ महल, सुशील भैया एक समय के बाद नरक में पहुंच गया रावण, समय कितना लगा? सामग्री उदय चला गया, खेल खत्म, आई बात समझ में? और फिर उसके लिए संतापवान होता है लोभी, लेकिन उसको ये किसकी पीड़ा है उसको? कजाव साहब सोने की चेन गिर गई और बहुत परेशान है कि चेन गिर गई, ठीक है, किससे परेशान है? चेन के चले जाने से परेशान है कि वो लोभ के कारण परेशान है? अपन क्या करते हैं, लोभ को मिटने का काम, मिटाने का काम करते हैं, क्या क्या हमारा क्या चलता है, है? अरे हाँ जी अन्ना जी, कठिन हो गई बात, सरल है ना बात, तो पकड़ में आती है ना आपको? तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी कहां
पूज्य वो इष्ट का भी कार्य हो, अपने मिलने वाले हैं, अपने खास है, भाई है, उनके भी कार्य में क्या कहता है, अपना प्रयोजन साधता है, अपना प्रयोजन साध, कुछ विचार नहीं रहता। किसके विचार नहीं रहता है, है? और साहब हम तो बोलते ही ना आलोचना पाठ में, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, अपना काम खत्म, बोल दिया ना आलोचना पाठ है, बोलते कि नहीं बोलते आलोचना पाठ है ऐसा, वो है ना कजाव साहब, वो रूढ़ी से बोलते ना पुराने जमाने में, तो वो ही काम करते जाते हैं क्या, और बोलते जाते हैं, गलियारे धूप धराई है, नदियन बीच चीर दुआ है, नदी के बीच में कपड़े धोए और बोलते जा रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं बाबू जी, नदियन बीच चीर दुआ है, कोसन के जीव मरा है, कोसों तक जीव मर गए, कहां बोल रहा है पाठ, वो कहां बोल रहा है भाई है, उसको कुछ खबर ही नहीं, नहीं जल थानक पहुंचाई, क्रिया बिना पाप है, वो जीवानी यूं की यूं ठाल दी और बोलता है, वो जैसे कि बोल पाठ पाठ बोल के जैसे सोच रहा है अपना काम खत्म, दी एंड है, बोलते कि नहीं बोलते बाबू जी है, अभी तो मुझे लगता है आलोचना पाठ भी पिक्चर से आउट हो रहा है, नहीं है? पहले तो कम से कम बोलते तो, अब तो कौन बोले, याद ही नहीं है, अरे अरे जी देखो देखो भाई बात सुनो, आप आरोम में संकल्प हिंसा होती है तो ओके ठीक है, लेकिन पानी तो छानते हो ना, छानने के बाद जीवानी तो करते ही हो, फिर वो क्या करते हो, क्यों नहीं समझते, नहीं नहीं पहुंचाते हैं, ये तो कमी है, पहुंचानी तो चाहिए ना आपको, नहीं पहुंचाते हैं वो तो आपकी कमी है, और वो तो आपको देखो अभी मैं आपको, समय हो गया है, अभी मैं पानी छानने की विधि तो नहीं सिखाऊं आपको, यहाँ है क्या विधि है, मैं आपको सिखाऊं तो नहीं पानी छानने की, आती है क्या है, अभी मान लो कुएं अभी अवेलेबल नहीं है और चालू कुएं भी नहीं है, तो आप हैंडपंप से ला रहे हो, हेडपंप से ला रहे हो, मान लो उसमें सोर्स तक पहुंचाने की बात नहीं है, लेकिन जहां हेडपंप का पानी फ्लो में जा रहा है, मान लो कम से कम जीवानी को आप बहते पानी के साथ तो कर सकते, इतना काम तो कर सकते हो आप भाई, आप जहां रह रहे हो वहां ट्यूबवेल पैक है तो आप वहां नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इसका मतलब आप जीवानी नहीं करो तो क्या उसका क्या मतलब है, जितने जीव की रक्षा होगी भाव तो होना चाहिए, चलो अभी अब अभी अपने उधर की तरफ चर्चा नहीं करें, चल ठीक है ये पढ़ लेता हूं, दो पंक्ति समय हो गया है ना, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है ना, जिसको इसने इष्ट माना है वो सामग्री उदय से मिल गई है, ओ उसके चाहने से नहीं मिली, और क्या चलता है उसको निरंतर उसकी रक्षा का भाव चलता है, बना रहे जाए नहीं जाए नहीं जाए नहीं, यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, इसकी अपन ने भी चर्चा कर ली है ना, इष्ट सामग्री चली गई तो संतापवान होता है, और किस लिए संतापवान है, सामग्री चली गई इसलिए दुखी है, नहीं नहीं इसे विचार ही नहीं करता कि लोभ के कारण मेरी ये बीमारी हुई है, लोभ को मेटू, वो ऐसा विचार नहीं करता, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है, ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊ, कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीश नवाऊ रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि लाख चौरासी माही घोर महा दुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाने ताको शरणों लीनो
अष्ट कर्म छय कीनो, जामन मरण मेट के माता मोक्ष महापद दीनो रे। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। ठाड़ो सेवक अरज करत है हे जिन वाणी माता, द्वादशांग चौदह पूरब का कर दो हमको ज्ञातारे। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक।